अरे नो टेस्टिनो बाबू को नहीं कराइएगा, आपको इनका पेंशन चालू करवाएंगे। अगर आपसे नहीं होगा तो हमसे मिलिएगा, हम डायरेक्टर से बात करेंगे। ये फेंका फेंके मत करिए, लिखा दीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में डीएम राजीव रोशन ने बसहा मिर्जापुर पंचायत का निरीक्षण किया है। बसहा मिर्जापुर पंचायत में वो पंचायत कार्यालय पर पहुंचे और उसके आसपास जो भी योजना था उसका उन्होंने जांच किया। आपको बता दें कि देर दोपहर के बाद वो यहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने तुरंत जाँच शुरू किया। जाँच में नल जल योजना हो या फिर सड़क की बात करें, गली नली की बात करें या फिर आपको अन्य योजनाओं की बात करें, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग, यहाँ के लोग काफ़ी एक्टिव हैं। ये बहुत ही बेहतर यहाँ पर बात है क्योंकि गांव के लोग जो हैं काफ़ी एक्टिव थे। डीएम आए तो सैकड़ों लोग एक जगह जमा हुए और बहुत सारे से लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को बताया। महिला ने कहा कि हमारा पेंशन नहीं आता है, किसी ने कहा कि आवास नहीं आता है, किसी ने कहा कि आवास का नाम नहीं लिखा गया है। बहुत सारी ऐसी बातें यहाँ पर सामने डीएम राजीव रोशन के सामने आई। इस बीच आपको बता दें कि राजकुमार चौधरी यहाँ के मुखिया हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। बीडीओ राघवी साहू यहाँ पर मौजूद रहे हैं, बीपीआरओ अमित कुमार मौजूद रहे हैं, खासकर जेई अगर बात करें या पुष्पिता रमन की बात करें, ऐसे सभी लोग जो यहां पर मौजूद रहे हैं। राजस्व कर्मचारी यहां पर मौजूद थे और आपको बता दें कि इस जांच में डीएम राजीव रोशन ने आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया है, बहुत सारे ऐसी योजनाओं को उन्होंने देखा है। लेकिन डीएम राजीव रोशन ने क्या कहा है, आज इस पंचायत के मुखिया राजकुमार चौधरी ने भव्य खासकर मिथिला पेंटिंग पाग और चादर के साथ डीएम राजीव रोशन का पंचायत कार्यालय में स्वागत सम्मान किया है। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ऊर्जावान पदाधिकारी हैं, लगातार किसी न किसी चीज़ में लगे रहते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन लगा, लोग जो भी लोगों ने कहा वो सुनते रहे, लोगों का इंटरेस्ट के साथ उन्होंने सुना और फ़ोन करके उन्होंने तुरंत ही कार्रवाई करने का या फिर उसे सॉर्ट आउट करने का भी निर्देश दिया है। इस बीच आपको बता दें कि मिर्जापुर पंचायत के खासकर जो जनता थे वो यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने जो पूर्व से चला आ रहा था योजना या पूर्व से जो भी कमी आ रही थी, चाहे मुखिया के खिलाफ हो या फिर पंचायत में जो गलती है, उन सब के बारे में बताया है। पूर्व मुखिया जो है यहाँ पर राम पुकार चौधरी, वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी समस्याओं को बताया है। प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर विकास सिंह, वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। प्रखंड के एमओ हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। पंचायत सिधौली के पंचायत समिति नुएन, वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही फूल बाबू जो हैं इस पंचायत के पंचायत समिति, उन सभी लोगों को यहाँ पर देखा गया है और सभी लोग ने स्वागत सम्मान भी किया है और लगातार योजनाओं का जो निरीक्षण हो रहा था उस दौरान डीएम राजीव रोशन के साथ सभी लोग मौजूद थे। अब आपको इंटरव्यू सुनाएंगे और जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर किस तरह का जांच हुआ है और लोगों ने क्या क्या कंप्लेन किया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी रागनी साहू से भी डीएम राजीव रोशन ने पूछा कि आखिरकार इस महिला का इतने दोष से खासकर जो वृद्धा पेंशन है वो क्यों नहीं मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, दिवेश चौधरी हैं इस पंचायत के बिशनपुर गाँव के निवासी, उन्होंने सड़क की मांग किया है। आपको बता दें कि उनके यहाँ जो सड़क जाता है वो सड़क नहीं है, इसकी मांग उन्होंने किया है कि जल्द से जल्द पर सड़क बना दिया जाए। इस क्षेत्र के जिला परिषद जो है फूल बाबू यहां पर मौजूद रहे हैं, उन्होंने भी कुछ कंप्लेंट किया डीएम राजीव रोशन को। साथ ही आपको बता दें कि सोहरा पंचायत के पंचायत समिति राजीव पासवान भी मौजूद रहे हैं। मिर्जापुर पंचायत में पहली बार आया सर, क्या कहेंगे? बसहा मिर्जापुर में आज हम लोग विजिट करने के लिए आए हुए थे। बुधवार या जांच के तहत यहाँ पर लोगों से बात की गई, सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का भी निरीक्षण किया गया। सामने में एक तालाब है, कुछ रास्ते को लेकर के लोगों की समस्या समझ में आई, नाली को लेकर के भी लोगों को थोड़ी कठिनाई हो रही है। इसके संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं
कि जो तालाब के किनारे घाट अगर बन जाए तो जाने आने में लोगों की जो असुविधा है वो समाप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया, नल जल स्कीम्स को भी देखा गया है, उसमें भी कहीं कहीं त्रुटि है, उसको ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर जो हम लोगों का डे टू डे गतिविधि पंचायत सरकार भवन पे चलती है, इसके संदर्भ में भी यहाँ पर जांच किया गया, निरीक्षण किया गया, सभी पदाधिकारी सभी कर्मी यहाँ नियमित रूप से बैठे और यहाँ पर एक ग्राम विकास शिविर करके आयोजन यहाँ पे जो लोगों की समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं, उसका निवारण करने के लिए कार्य किया जाएगा, ताकि जिन लोगों का जो मामला हो उसको लेकर के यहाँ डोर स्टेप पे उसका समाधान किया जाए। कुछ आधा पेंशन का समस्या जो आपने कहा है, क्या कहेंगे उसको? निश्चित रूप से लोगों ने कुछ समस्याएं बताई हैं, जैसे वृद्धा पेंशन में नाम वगैरह मैचिंग नहीं होने के कारण पहले मिलता था अभी नहीं मिल रहा है, या कुछ लोग जो राशन में छूटे हुए हैं। आवास योजना के संदर्भ में भी कुछ बातें आई हैं कि योग लाभों को लाभ नहीं मिला है, उनका नाम ग्राम जो सभा था उससे नहीं कटना चाहिए था परंतु कट गया, तो ये सारी चीज़ों की भी शिकायतें मिली हैं। तो जो कमेटी है यहाँ पर जो शिविर लगेगा उसमें जांच करके उसका निर्धारण किया जाएगा। आज डीएम का यहाँ पर दौरा हुआ है, क्या सब हुआ है? आज हमारे ग्राम पंचायत राजमिर्जापुर में डीएम साहब का निरीक्षण कार्यक्रम था, जिसमें पंचायत सरकार भवन पर आए थे और हम लोगों द्वारा उनको सम्मान किया गया और पंचायत में पंचायत सरकार भवन का, आंगनबाड़ी केंद्र का, जन वितरण विक्रेता का, नल जल का, सभी चीज़ों का उनको उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। उनके बाद जब वहाँ पे वो आए पंचायत सरकार भवन के पास आए तो ग्रामीणों और लोग द्वारा बहुत आग्रह करने पर वो पंचायत सरकार भवन के भीतर गए और देख करके बहुत प्रसन्नता जाहिर की, जो पंचायत सरकार भवन बहुत अच्छा बना हुआ है और मेरे द्वारा उनको सम्मान किया गया। जी जी, मेरा पाग चादर माला से उनको सम्मान किए हैं और सम्मान होकर के बहुत खुशी जाहिर करते हुए लास्ट में यहाँ से गए। वो अंदर जाने से थोड़ा कतरा रहे थे, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा बहुत आग्रह करने के बाद अंदर वो गए और अंदर में उनको मेरे द्वारा सम्मान किया गया और बहुत प्रसन्न जाहिर करते हुए यहाँ से गए। कोई एलिगेशन लगाने के लिए कुछ भी बोल दे, लेकिन फिजिकली वेरिफिकेशन भी किया जाए सर, 100% हमारी तो सब जमा हुआ है। हाथ में जहाँ नहीं है वो तो करेंगे, हमारे ही वार्ड के वो सदस्य हैं सर, जो कि सबसे हाईएस्ट अभी बिजली बिल है सर उसका 80-90 हजार। मुखिया जी, पिछले बार 7 इंस्पेक्शन में 7 में नल जल बंद था, आज के दिन में चालू है? जी जी, टोटल का टोटल क्या है? सही कर रहे हैं मुखिया जी, समय भी नहीं चल रहा है, चालू है साफ करवा, पूरे पंचायत का टंकी साफ कर सफाई करवा दीजिए, अब तक सफाई नहीं हो है, वो एक पानी कम मांग रहा है। नल जल के बारे में तो गिरधर 1.5 किलोमीटर का दूरी है, वहाँ पानी 4.5 से जहाँ भेट रहा वहाँ जल नल नहीं है। पंचायत में इस बार जो जीते हैं उसके बाद क्या करना चाह रहे हैं, क्या सब किए हैं या फिर कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं पंचायत को? पंचायत में बहुत सारे विकास का हम हमारे यहाँ चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ 2-2 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मेरे पंचायत से पूर्णतः क्रॉस किए हैं, जिसमें हमारा 90% रोड मेरे ही पंचायत में वो क्रॉस किया गया है। और दूसरी तरफ जो पूर्व में भी मेरे द्वारा स्ट्रीट लाइट का काम कराया गया था और अभी वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री का सोलर स्ट्रीट लाइट योजना है, जो विगत हमारे 4 वार्ड में अभी काम ऑलरेडी हो चुका है और हम लोगों का जो सुक्ता बनाने का काम किए हैं, लमसम 18 से 20 सुक्ता मेरे पंचायत में अभी बन चुका है। घाट बनाने का काम पूर्ण जोर से किया जा रहा है, पूर्णतः सभी कामों का हमारे यहाँ विकास का गति बढ़ा हुआ है। अपने पंचायत के सभी आम जनताओं से ये आग्रह करना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो तो आवेदन लेकर के मेरे पास में पंचायत व सरकार भवन पे आए और जो भी तरह का काम होगा जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता होगा उस काम का निदान करने का, जैसे पूर्व में मेरे द्वारा किया गया है अभी भी मेरे द्वारा वो काम किया जाए। गरीबों का मदद करते हैं कि नहीं आप?
गरीबों का 24 घंटा मैं पंचायत में रहता हूं और मेरे द्वारा जो भी होता है विकास से संबंधित छोड़कर के सामाजिक काम में भी कोई अन्य तरह का विवाद हो सभी कार्यों में मेरे द्वारा जितना से ज़्यादा समय देकर के आमजनों का सहयोग किया। पंचायत में निरीक्षण के दौरान डीएम को बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया है, तो क्या क्या कंप्लेन क्या किया है, मतलब क्या कहना चाहते हैं? कंप्लेन करने के लिए आम जनता स्वतंत्र है, वो अपना अधिकार है, कंप्लेन करना भी चाहिए, समझे कि नहीं। लेकिन जितने व्यक्तियों द्वारा वहाँ पे कंप्लेन किया गया वो व्यक्ति अपने गिरेवान पे हाथ डालकर के सोचे जो कि मुखिया द्वारा जो मुझे कितना लाभ मिला है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, वो अपने गिरेवान पे हाथ रख करके एक देखे जो कि मुखिया मुझे मदद किया है या नहीं किया है। मैं पूर्णतः भेदभाव के साथ कोई काम नहीं करता हूँ, निस्वार्थ भावना से सभी आम जनताओं का काम निष्पादन करता हूँ। जिला अनाज देता है, नहीं बता है। वृद्धा पेंशन आपको नहीं मिला है? वृद्धा पेंशन सर इनका बंद हो गया है, नाम डिप्रेशन के कारण, लालू देवी या लाली देवी करके जो है ना, ये डिप्रेशन के कारण बार बार कितना बार वो विकास मित्र को पेपर दे दिया, यहाँ से सभी पंचायत से सर सूची मरा है उसमें के लाभ का सर। अरे ना, जिसका लाभ ही रहता है हम लोग भेजते हैं, क्यों नहीं डाल दिया हुआ है सर। कितना दिन में चालू करा दीजिए? आप रिपोर्ट इनका भेजे हुए हैं विभाग में? जी सर, विभाग में भेजे हैं। चिट्ठी है, कल देख लेते हैं। अरे हमको ठंडाई से बात बनाइए, हम अभी डायरेक्टर से बात करते हैं। हम सर देख लेंगे तब ना, पत्र सब कुछ। क्या नाम है आपका? नोट करिए, पेंशन वाला फॉर्म पर पहले आधार तो एक ही ना नंबर होगा? आधार वही, क्यों नहीं हो रहा? अकाउंट में दूसरा नंबर। अरे मैंने तो दूसरा अकाउंट खुलवा देने के बाद ऐसा समस्या सर है, जैसे कि वहाँ लॉगिन पर डाला जाता है तो पंजाब नेशनल बैंक खाता नहीं लेते हैं। अरे नोट स्टेनो बाबू को नहीं कराइएगा, आपको इनका पेंशन चालू करा देंगे। अगर आपसे नहीं होगा तो हमसे मिलिएगा, हम डायरेक्टर से बात करेंगे। ये फेंका फेंकी मत करिए, लिखा दीजिएगा। नेशनल बैंक का खाता लेके गए तो उस कंप्यूटर पर नहीं लेता, तो जबकि आरबीआई डिस्काउंट का उधार हो गया जहाँ आप आए हैं जिला पंचायत और जो प्रोटेक्शन वाल का हाथ में बना है किसी नेता उस पर बात हो गई है और सर आगे इसको देख लिया। 4 लाख रुपया श्रीमान एक गरीब का लड़का गिर गया, उसको ऑल इंडिया मेडिकल तक जाना पड़ा, पांव खराब हो गया। आप मेरी बात सुनिए, इस पर चर्चा हो चुकी है, हम समाधान के लिए मिल गए। क्या चीज में है आप? सफाई कर्मी में है। कौन से पंचायत में? मिर्जापुर पंचायत। कौन से वार्ड में? 2 नंबर वार्ड। नाम आपका? सीमा देवी। क्या चाहिए आपको? ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है। कितना महीने का पैसा बचा हुआ है? 7 महीने। 7 महीने से नहीं मिला है, परिवार कैसे चल रहा है? क्या चाहते हैं? 3,000 में कुछ हम लोग को नहीं होगा। हम लोग ने गंगा सागर पे काम किए, नीतीश कुमार आए 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, 8 तारीख से 12 तारीख। हाँ बोलिए ना। तो ये उसी में मैडम बोले कि ऐसे कम्बल देंगे हम लोग का जाने वक्त में, तो वही दीदी आज हुई बात के खोली है, हम लोग का कम्बल कह के नहीं दिए। डीएम सर से कंप्लेन किए हैं? नहीं, कम्बल नहीं मिला। नहीं बोले थे देंगे लेकिन नहीं हम लोग का मिले, इसलिए दीदी बात खोली। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? सोनिया देवी। इधर के तरफ से कोई शिकायत शिकवा नहीं है सर, एकदम यहाँ पे सब सबको एकदम एकदम सर सही है सर, वो भी अपना वो खाकर वहाँ से लेकर सीटिंग करके अपने घर के लोगों को चला गया। यहाँ के लोगों को नवकारपुर के लोगों को कम से कम क्या करने की आदमी मिल जाता है घर में जाकर।
सर इसमें कुछ नाम ऐसे भी है जिनका नाम कटने के बाद उनको पुनः दे दिया गया, तो जनता को यही जानना है कि उन्हें कैसे दिया गया, उसी आधार पर उन्हें भी एक जगह पर लिस्ट में इसमें देखिए सर खाली अंगूठा है, वो भी महिला का अंगूठा है। 15-16 से सर सब है यही आम सभा होता है, 16 के बाद आम सभा पंचायत में हुई ही नहीं है। एक शिकायत है, वीडियो में निरीक्षण किए बिना आपको रिपोर्ट बना के दे देती है कि हमने निरीक्षण किया है। सर कही हम लोग किए जाते हैं, एक है एक आवाज को वीडियो में हमने कलम से चिन्हित कर दिया है कि यह आवाज मैंने निरीक्षण किया और बना पाया। बात उनके से यहाँ 100 मीटर की दूरी पे आप जाके चेक कर सकते हो, आवाज आज तक नहीं बना है। हम आवास पर्यवेक्षक से कराते हैं, उनका नाम देते हैं, स्वयं हम नहीं लिखते। मैडम आपका है आरटीएम आवास पर्यवेक्षक मैडम और आवास सहायक, उन्हीं का तो गलती है ये सब, और वही जांच करेंगे ये कैसे होगा। जो योग्य लाभुक थे उनका नाम भी स्थानीय राजनीति के तहत गलत ढंग से ग्राम सभा करके काट दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास करा लें, देखिएगा सर वायर कटा होगा, वायर कटा होगा, देखिएगा ये सब वायर। लोगों ने कहा पानी नहीं रहा है, अरे नल आ रहा है, कौन सा नल पानी की शिकायत नहीं है, पानी आ रही है नाली का पानी बहाव से सबको कनेक्शन और पाइप जा करके आपके तालाब में ही मान लीजिए थोड़ी देर के लिए चला जाता है, चौड़ है चारों बगल चौड़ है, चौड़ भी हो जाता या कहीं राजनीति, या तो राजनीति करेंगे या तो विकास करेंगे। आधार नहीं दिए थे सब किस बिल्कुल देखे इंटरनेट पर सब किस ठीक है कागज में पैसा बंद। नाम बताइए। बीज किशोर चौधरी बुहारी में कोई साइकिल दो दिन उनका चलाने के लिए जी। जी। चलने में दिक्कत भी है, बहुत दिक्कत है सर, इनको इतना दिव्यांगता का प्रदेश है। सर नल जल का हम लोग का पानी बंद बताएगा तो यू क्या वहाँ तो पानी चल रहा है, आपको कनेक्शन है आपका, उनको घर पे पानी नहीं मिलेगा समाधान सर मेरा भी कनेक्शन नहीं है सर, कनेक्शन मिला हुआ था सर, कनेक्शन को अपने से हाथों से काट करके ले इधर की तरफ से कोई शिकायत सिखवा नहीं है सर, एकदम यहाँ पे सब सबको एकदम एकदम सर सही सर, एक एक आवाज इधर की तरफ से कुछ नहीं है, हर महीने एकदम सर हम लोग मिला हुआ कैसे हम लोग वो भी अपना वो खाकर वहाँ से लेकर के सीखी करके अपने घर के लिए चले जाते यहाँ के लोगों को नवका टूट के लोगों को वहाँ से कम से कम हुआ होता की सब वहाँ टूट रहा है भागो भागो मेटर अभी आने मुखिया जी पंचायत सचिव रोजगार सेवक मतदार जिनकी जिनको व्हाट्सएप के माध्यम से बीपीआर सर के पास रेगुलर कंप्लेन भी किया बाबा का बात एक मिनट सुन लिया बहुत
बनने के बावजूद भी सर रुका है, बनने के बाद रुकने का तब तो फिर जी।